नमस्कार दोस्तों, पीएल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपलसी पेट एग्जाम 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास को पूरा देखें और अंत तक देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दीनबंधु मित्रा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है जिसके द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। और इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1907। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर आंसर देना है आपको, तो ताना भगत उराओन अथवा उरांग जनजाति की एक शाखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, जिसे सुदमापुरी के नाम से भी जाना जाता है, शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी, तो किससे की जाती थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी, किससे की जाती थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर अगला है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा चंपक रमन पिल्लई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लॉर्ड हार्डिंग। आप लोग ध्यान रखिएगा 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया तब लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, आप लोग ध्यान रखिएगा 1916 भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 8, एयू ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये बात सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था जो 1932 तक निकलता रहा और इसके बाद 1933 में हरजन हरजन अंग्रेजी और हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजगुरु। सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने पर राजगुरु को 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी और जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, वीडी सावरकर। आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। आप लोग ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत आलेखों की एक विस्तृत संख्या थी जिसे अप्रैल 1907 में दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इंडियन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ब्रिटिश भारत में पहली बार इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता था कौन था? इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब बनेगा दिसंबर 1992 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था और इस पार्टी के अध्यक्ष श्री चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके एक सचिव थे और इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक सुशासन राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगत सिंह ने 1926 से ही वास्तविक प्रजातंत्र यानी समाजवादी प्रजातंत्र की ओर अपने कदम बढ़ा दिया था। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने साथी भगवती चरण बोहरा के सहयोग से नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, एनी बेसेंट। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो आपको नहीं ध्यान रखना है, इनमें से कौन नहीं जुड़े थे? तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कोमा गाता मारू क्या था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक पोत था। कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था। इस जहाज ने 1914 में आर्थिक प्रवासियों जो भारत में अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थे के साथ हांगकांग से वैनकूवर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, वर्धा। 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गोरिल्ला युद्ध था और इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई और अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर जाति कम्युनल पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, इसका क्या जवाब बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, माइक डोनाल्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया, तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने यहाँ पर आपको फिल करना जा चुके तो जा पहुँचे, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1918 में गुजरात मेल के मालिकों और श्रमिकों के बीच 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर एक विवाद उत्पन्न हुआ और इस पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ, 24 दिन में 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ जिनमें सरोजिनी नायडू भी सम्मिलित थी। गांधी जी साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी ग्राम 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भगत सिंह, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था, इस विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस वर्ष बंग भंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के पश्चात अंततः वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कलकत्ता में सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 AO ह्यूम, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2nd चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1925 में, आप लोग ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महात्मा गांधी।
इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में, बम्बई में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन 28 से 31 दिसंबर 1885 के दौरान बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे जिन्होंने भारत के विभिन्न प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ज्योतिबा फुले। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 7 राज्यों में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल 7 राज्यों में बनाए, पंजाब, बंगाल, सिंध और आसाम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किए, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। बम्बई में 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामले में, 18 मई, ध्यान रखिएगा 18 मई 1908 ईस्वी को कलकत्ता में अलीपुर में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण न्यायालय में पेश किया गया था और इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन तब भारत के वायसराय ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता। आप लोग ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख दल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्म दल और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरम दल के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। वल्लभ भाई पटेल का जन्म की बात करें तो 21 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 1918 में राजनीति में आए। वर्ष 1930 के बरदौली सत्याग्रह के दौरान उनके कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की पदवी दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नागालैंड। सही जवाब बनेगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 4 फरवरी 1944 को टापू कोहिमा पलेल तिदी को मुक्त करा लिया, 22 दिसंबर 1944 को कोहिमा में झंडा फहराया, 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में झंडा फहराए थे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
भारत की आत्मा गांव में निवास करती है या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पर चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सूर्यसेन, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से किसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में पार्टी की स्थापना की थी, आप लोग ध्यान रखिएगा 1939 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 6, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 में, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आगा खान, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो राइट आंसर बनेगा 1942 में, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, वह गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर सीएफ एंड्रूज की सहायता से भारत लौटे थे। उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों, अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र मामला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रिपन, इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1932 में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केसरी था इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक मराठी समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायसिता का सिद्धांत।
आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी ने व्यापक न्यासधारिता सिद्धांत का उपयोग किया था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1917 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, नील की खेती करने वाले किसानों को महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह करने के लिए कहा। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण में किसान तीन कठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका इस क्वेश्चन के आंसर का चयन कर सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आंसर बनेगा एयू ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के खलीफा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आगा खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब बकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आप तो फटाफट कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट जवाब हो जाएगा, पहला थर्ड और सेकेंड। पहला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थानीय पुलिस और असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के मध्य हिंसक झड़प हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में गांधी ने 12 मार्च 1930 को समुद्र तक की पैदल यात्रा की थी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा व्रत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी का अध्यक्षता में 1924 में बेलगांव 39वें कांग्रेस अधिवेशन का स्थल था। यह उनके द्वारा अध्यक्षता वाली एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड चंपारण। चंपारण आंदोलन के साथ गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1930 में
यहाँ पर आपको फिल करना है कि गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया लाला लाजपत राय। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। यंग इंडिया 1919 से 1932 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कालक्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 4321, 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार जो है वो 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।